हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं GTA 5 गेम की स्टोरी को और साथ ही इस गेम की सभी एंडिंग्स को भी। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत 2004 में नॉर्थ यैंटन में एक बैंक रोबरी के साथ होती है, जिसको अंजाम माइकल टाउनली, ट्रेवर फिलिप्स और ब्रैड स्नाइडर देते हैं। लेकिन ये रॉबरी फेल हो जाती है और FIB एजेंट नॉटन माइकल और ब्रैड को गोली मार देता है, पर ऐसे में ट्रेवर उनके हाथ से बच निकलता है। इस एक्सीडेंट के बाद माइकल का फ्यूनरल होता है, जो कि पूरी तरह से फेक है, और यहाँ पर ब्रैड को दफनाया जा रहा है माइकल की जगह। लेकिन लोगों का मानना है माइकल मर गया। ब्रैड को बॉलिंगब्रोक की जेल में कैद कर रखा है और ट्रेवर फरार है। माइकल ने अपने दोस्तों को धोखा दिया और अपने परिवार के खातिर FIB से हाथ मिला लिया, जिस कारण से ये रॉबरी फेल हो गई। और फिर FIB द्वारा दी गई सुविधाओं के चलते माइकल और उसके परिवार को नई पहचान के साथ नई जिंदगी को शुरू करने के लिए लॉस सैंटोस भेज दिया गया। रॉबरी के 9 सालों बाद माइकल यहाँ पर एक आलीशान जिंदगी जी रहा है, जिसका नाम अब माइकल दे सेंटा है। पर उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिस कारण माइकल हफ्ते में एक बार थेरेपी लेता है, पर उसके थेरेपिस्ट को भी उसकी खास नहीं पड़ी। आगे माइकल की मुलाकात फ्रैंकलिन क्लिंटन से होती है, जो अपने दोस्त लमार के साथ एक भ्रष्ट अमेरिकन कार सेल्समैन के लिए काम करते हैं। माइकल का बेटा जिमी इसी से SUV इंस्टॉलमेंट पर खरीदता है, लेकिन वो फ्रैंकलिन के जरिए माइकल के घर से SUV को उठवा लेता है, जिसके अंदर माइकल पहले से ही मौजूद होता है, जो बंदूक की नोक पर उसके बॉस का शोरूम बर्बाद करवा देता है, जिससे कि फ्रैंकलिन अपनी नौकरी से हाथ धो देता है। जो बेरोजगारी से बचने के लिए माइकल से उसके घर पर काम मांगने आता है, पर बीच में ही जिमी का फोन आ जाता है, जो माइकल से बिना पूछे उसकी यॉट को बेचने चल दिया, और बायर्स उसे बिना पैसे दिए बगैर यॉट को हथियाना चाहते हैं, और जिमी वहाँ फंस गया है। माइकल फ्रैंकलिन की मदद से जिमी को बचाने में कामयाब होता है, जिससे कि उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। पर माइकल को उसकी यॉट नहीं मिल पाई, और फिर घर लौटने पर वो अमांडा को अपने टेनिस कोच के साथ हम बिस्तर पाता है, जिसे देख वो फ्रैंकलिन के साथ उसका घर तक पीछा करता है, और गुस्से में आकर माइकल घर के डेक को तोड़ देता है। लेकिन ये घर टेनिस कोच का नहीं था, बल्कि मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड मार्टिन मद्राजो की गर्लफ्रेंड का होता है, जो माइकल से घर को रीबिल्ड करने और उसकी जान बख्शने के लिए $25,00,000 मांगता है। पर उसके पास इतना पैसा नहीं है, जिसके लिए वो पुराने रास्ते पर चलने का फैसला करता है, जिसे वो छोड़ चुका था। इसलिए वो अपने पुराने दोस्त लेस्टर से मिलता है, जो कि एक अपाइज हैकर है, जिसके साथ मिलकर एक हाइस्ट ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन उससे पहले लेस्टर माइकल के जरिए से जे नॉरिस को लोगों के बीच में मरवा देता है। फिर माइकल फ्रैंकलिन और बाकी लोगों के साथ मिलकर ज्वेलरी स्टोर को लूटने में कामयाब होता है। लूट के पैसों से माइकल मार्टिन मद्राजो को उसके पैसे वापस कर देता है, जिसकी हाइस्ट की खबर पूरे न्यूज़ पर छाई हुई है। इसी बीच ये बात ट्रेवर को भी पता चल जाती है, जिसे लगने लगता है कि माइकल मरा नहीं है, जो अपने कॉन्टैक्ट के जरिए माइकल का पता लगाता है। ट्रेवर शहर से दूर एक घटिया सी जगह में रहता है, जहाँ पर ड्रग डीलिंग और वेपन स्मगलिंग में जी तोड़ मेहनत करके ट्रेवर फिलिप्स एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी को खड़ा करता है, और साथ ही अपने सभी कॉम्पिटिटर का एक एक करके सफाया कर देता है, और एक दिन माइकल के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर ट्रेवर माइकल को देख कर हैरान हो जाता है, और अब माइकल की फैमिली उसको छोड़ देती है उसके खराब बर्ताव के चलते। फिर FIB एजेंट स्टीवन हाइंस अपने पैसों की समस्या को दूर करने के लिए माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और लेस्टर का इस्तेमाल करके अपने घटिया कामों को अंजाम देता है, जिसमें दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी IIA के फंड्स और वेपन को चुराना शामिल है। फिर स्टीवन माइकल को अरबपति डेविन विस्टन से मिलवाता है, जो माइकल से अपना काम करवाने के लिए उसे उसके आइडल सोलोमन रिचर्ड के साथ काम करने का ऑफर देता है, और फिर माइकल सोलोमन के लिए असिस्टेंट मूवी प्रोड्यूसर बन जाता है। लेकिन डेविन माइकल को धोखा देकर उसकी फिल्म को शट डाउन करना चाहता है, ताकि इंश्योरेंस का पैसा खुद हड़प सके, और ऐसे में डेविन की लॉयर मॉली फिल्म के साथ अपने प्राइवेट जेट के जरिए से भागने की कोशिश करती है, पर माइकल उसका लगातार पीछा करता है।
लेकिन अपनी गलती से ही मॉली जेट इंजन में आकर मर जाती है। पर माइकल फिल्म की मास्टर कॉपी को लेने में कामयाब होता है। इस सब से डेविन माइकल से बदला लेना चाहता है। मार्टिन मद्राजो अपनी एक सीक्रेट फाइल को प्लेन से चुराने के लिए माइकल और ट्रेवर से कहता है, जो कि मार्टिन के कजन के पास है, जिसका इस्तेमाल वो कोर्ट में उसके खिलाफ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही माइकल और ट्रेवर प्लेन को क्रैश करके फाइल को लेने में कामयाब होते हैं। और ऐसे में ट्रेवर मार्टिन से फाइल के बदले पैसे की डिमांड करता है, पर पैसे ना मिलने की वजह से ट्रेवर मार्टिन की वाइफ को किडनैप कर लेता है, जिससे कि ट्रेवर और माइकल अब लॉस सैंटोस में घुस नहीं सकते। लेकिन ट्रेवर मैरीवेदर सिक्योरिटी के जरिए ट्रेन से कहीं भेजा जा रहा गोल्ड का स्टैचू चुरा लेता है, जिसे माइकल मार्टिन को देने को कहता है। और अगर वो ऐसा करता है तो वो यूनियन डिपॉजिटरी में चोरी करेंगे, जो कि इनकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी चोरी होगी। ये सुन ट्रेवर मान जाता है और फिर मार्टिन के साथ सब सेटल हो जाता है, जिससे कि लॉस सैंटोस में इनकी दोबारा से एंट्री होती है। एक झगड़े में ट्रेवर माइकल से पूछता है, अगर तुम जिंदा हो तो कब्र में वो दफन लाश किसकी है। ये जानने के लिए ट्रेवर नॉर्थ यैंटन में जाकर कब्र को खोदता है और उसे पता चलता है ये ब्रेड है, जिससे उनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। यहीं पर वी चेंग्स के लोग उन पर हमला करते हैं और माइकल को पकड़कर लॉस सैंटोस ले आते हैं, जो समझते हैं ट्रेवर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फ्रैंकलिन लेस्टर की मदद से माइकल को ट्रेस करते हुए मरने से बचा लेता है। और अब स्टीवन पर FIB को शक होने लगा है, इसलिए वो उन्हें FIB से उसका सारा डाटा डिलीट करने को कहता है। पर ऐसे में माइकल खुद का सारा रिकॉर्ड क्लियर कर देता है, ताकि स्टीवन उसका कुछ बिगाड़ ना पाए, और वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब ये बात स्टीवन को पता चलती है तो वो माइकल को मारना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर FIB, IAA और मैरी वेदर के लोग आ जाते हैं, जिनको इन्फॉर्म उसके साथ ही नहीं किया है। लेकिन इस सीन में माइकल की जान बचाने के लिए यहाँ पर ट्रेवर आ जाता है, जो कहता है, माइकल की जान मेरे हाथों ही जाएगी। और यहाँ से बच जाने के बाद माइकल और ट्रेवर फ्रैंकलिन के दोस्त लमार को बचाने के बाद अब ये तीनों यूनियन डिपॉजिटरी में कई मिलियंस ऑफ डॉलर के गोल्ड की सबसे बड़ी चोरी करते हैं, और लेस्टर इन सबके हिस्से का सोना पिघलाकर उन्हें दे देगा। और इस सबके बाद स्टीव फ्रैंकलिन को ट्रेवर को मारने को कहता है, जबकि डेविन माइकल को मारने को कहता है। ऐसे में फ्रैंकलिन के पास तीन ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट वो ट्रेवर को मारे, सेकंड वो माइकल को मारे, या थर्ड जिसने ये काम दिया है अपने दोस्तों के खातिर उनके साथ मिलकर उन्हें ही मार डाले। इसी के साथ गेम की एंडिंग तीन अलग अलग रास्तों पर निकल जाती है। चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एंडिंग, समथिंग सेंसिबल। फ्रैंकलिन ट्रेवर को मारने के लिए माइकल से मदद मांगता है, जो कि ट्रेवर की कार को क्रैश करवा देता है। और फिर फ्रैंकलिन गैस टैंकर पर गोली मारकर ट्रेवर को जला देता है, जिसके साथ ही एक विस्फोट होता है। ट्रेवर को फ्रैंकलिन और माइकल पर सबसे ज्यादा विश्वास था, लेकिन ये विश्वास उसकी मौत के साथ खत्म हुआ। सेकेंड एंडिंग, द टाइम्स कम। फ्रैंकलिन माइकल को किसी सुनसान जगह पर अकेले में मिलने को कहता है, जहां पर अमांडा का कॉल आ जाता है, जो उससे बात करती है और कहती है ट्रेसी को कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर फ्रैंकलिन से बात करने पर माइकल को पता चल जाता है कि उसने मुझे यहाँ मारने के मकसद से बुलाया है, जिससे भागकर आखिर में माइकल पामर टेलर पावर स्टेशन पर चढ़ जाता है, जहाँ से माइकल को धक्का देकर फ्रैंकलिन उसका हाथ पकड़ लेता है। और ऐसे में भी दो रास्ते होते हैं, सेव एंड ड्रॉप माइकल, पर दोनों ही सूरतों में माइकल मारा जाता है। जिसके बाद ट्रेवर, अमांडा और जिमी का मानना है माइकल को फ्रैंकलिन ने मार दिया, इसलिए वो अब उससे बात नहीं करते। थर्ड, गुड एंडिंग। और इसी के साथ इस गेम की सबसे बेस्ट एंडिंग, इसमें ये तीनों एक साथ मिलकर अपने सभी दुश्मनों का सामना करते हैं। ट्रेवर माइकल के दुश्मनों का सफाया करता है और माइकल फ्रैंकलिन की राइवल गैंग्स का सफाया करता है, जबकि फ्रैंकलिन ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज गैंगस्टर का सफाया कर देता है। जिस सबके बाद तीनों मिलकर डेविन को भी खत्म कर देते हैं, और फिर दोबारा से FIB एजेंट नॉर्टन इनके रिकॉर्ड्स को मिटाने में मदद करता है, जो अब क्राइम की जिंदगी को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, जिनकी दोस्ती अभी भी बरकरार है। माइकल को उसकी फैमिली वापस मिल जाती है और साथ ही अब वो एक अच्छा फिल्म प्रोड्यूसर बन गया है। इस गेम की एंडिंग ए और बी बिल्कुल भी इस गेम के हिसाब से सही नहीं है, और इस गेम की जो ट्रू एंडिंग है वो सिर्फ इसकी गुड एंडिंग ही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गेम की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप सभी का रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं GTA सीरीज को जरूर कंटिन्यू करूंगा। और अगर आपके मतलब का कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।